फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर है। इसी क्रम के चलते पुलिस कर्मियों ने वहां के निवासियों को उन्हीं के घरों में बंदी बना दिया है। फिरोजाबाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा चल रहा है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा की जगह लोगों को उन्हीं के घरों में बंधक बनाकर बाहर से कुंडी लगा दी। छोटे छोटे बच्चे भी नजरबंद कर दिए गए हैं। सीएम की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की चापलूसी खुलकर सामने आई है। आपको बता दें कि सीएम साहब के सामने जनता का खुलकर उत्पीड़न किया गया और मानवाधिकारों का भी खुला उत्पीड़न हुआ। जब जनता को सुरक्षा के नाम पर यह बंदिश देने की बात पूछी गई तो मकान में तैनात पुलिस कर्मियों का साफ साफ कहना था कि ये अधिकारियों के आदेश हैं जिनका पालन किया जा रहा है। नहीं, हम ग्राउंड में भी गए थे, कुछ लोग विधायक जी भी कह रहे थे कि प्रशासन पब्लिक को अंदर आने नहीं दे रहा है। और उसके बाद हम लोग घर अभी भी छुट्टी की है, विद्यालय की छुट्टी की है, और हम लोग ऊपर गए ज़रा देखने के लिए तो हमें भी मना कर दिया गया, हम आप लोग ऊपर नहीं जा सकते प्रशासन में। हमने कि इस तरीके से हम जनता के लोग हैं, हम लोगों को देखने का हक है, हम देखना चाहते हैं, फिर भी हम लोगों को पाबंद कर दिया गया है। छत पे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं वो अंकल जी, बाहर खड़े हुए हैं, बच्चे भी हैं उधर, ऊपर गेट लगा रखा है, बच्चे भी उधर कमरों में बंद हैं, हम लोग भी नीचे बैठे हुए हैं और कोई जा ही नहीं सकता ऊपर छत पे। हम कुछ कैश क्या सकते हैं बताइए। वैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए हम लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए ना। बच्चे ऊपर हैं, ऊपर गेट लगा हुआ कमरे का हमारा, और सर ने लगाया हुआ बैठे हुए ऊपर, उनकी ड्यूटी लगी है जी। लगे ही थे और लगवा दिए, दबंगे ही नहीं है, बताया गया है उसे जो आदेश दिया गया उसी। किस तरह का आदेश है ये बताया है कि बाहर आदमी कोई खड़ा ना हो। फिरोजाबाद से हिमांशु दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।